में खास तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंचे हैं और वहां जवानों के साथ होली मनाते हुए वो नजर आए हैं। खास त्योहारों पर जब देश के जवानों के साथ में देश के बड़े नेताओं को देखा जाता है, जैसे हम देखते हैं दिवाली पर पीएम मोदी अक्सर सेना के बीच होते हैं मौजूद, और यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के बीच पहुंचे, एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट। आप देखिए, वो जवान हैं जो अपने घर से दूर रहते हैं, चाहे त्यौहार हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चूंकि छुट्टियां काफ़ी वक्त पर मिलती हैं, लेकिन देश को अपना परिवार समझते हैं और देश की रक्षा के लिए मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगर होली पर देश के जवानों के बीच मौजूद हैं, लेह जहाँ पर तापमान लुढ़का हुआ रहता है, कई बार तो माइनस टेम्परेचर में जब जिस तरीके से सर्वाइव करना मुश्किल होता है, ऐसे में इस सर्दी में, भीषण सर्दी के बीच में 24 घंटे सातों दिन देश के लिए ड्यूटी करते हुए देश के जवानों की तस्वीर, और उन्हीं जवानों के बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होली पर गुलाल लगाते हुए, और जो जवान हैं उनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि खुद को स्पेशल महसूस कर रहे हैं। जब जैसे मैंने कहा कि हौसला बढ़ाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, दिवाली पर आप अलग अलग दिवाली पर देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग बॉर्डर्स पर, जहां पर दिवाली उनके साथ मनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, और यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहाँ सभी को गुलाल का टीका लगा रहे हैं और होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये अच्छा जेस्चर है सेना के उन जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, जो अपने घर से दूर, परिवार से दूर रहकर देश की रक्षा के लिए मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देखिए, चेहरे पर उनके भी गुलाल लगा हुआ है, कुछ जवानों ने वापस से उन्हें टीका लगाकर हैप्पी होली कहा है, और ये कुछ महिला जवान भी हैं जिन्हें होली का टीका लगाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में पहुंचे हुए हैं, जवानों के साथ होली मनाते हुए ये तस्वीरें खास हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जवानों के बीच में रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं। रक्षा मंत्री का होली के दिन पहुंचना, जवानों के बीच उत्साह को बढ़ाना, उनके हौसले को और ज़्यादा मजबूती देना, उनके मनोबल को ऊँचा रखना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये जो कोशिश है ये जवानों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है, जहां उत्साह भी है, उमंग भी है, और इस बात की खुशी भी है कि देश के रक्षा मंत्री उनके बीच मौजूद हैं होली के इस खास मौके पर। क्योंकि अगर ये ड्यूटी चूँकि खास है, देश की रक्षा करनी है और देश की रक्षा के लिए सीमा पर मुस्तैद रहना है, 24 घंटे सातों दिन पहरा देना है, तो फिर ये जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, और इस बड़ी जिम्मेदारी में ये पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को त्योहारों पर छुट्टी मिल सके। इसमें कुछ जवान हो सकता है कि अपने घर पहुंचे हों, अपने परिवार के बीच में, लेकिन बाकी जवानों को ड्यूटी करनी होती है, अपना फर्ज निभाना होता है। ऐसे में परिवार से दूर ज़रूर हैं, त्यौहार पर घर नहीं जा सके हैं, लेकिन कैसे उनके इस त्यौहार को खास बना दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ये तस्वीरें आप देखिए। लेह में मौजूद हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के जवानों के साथ में उन्होंने होली मनाई है। जैसे मैंने कहा कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है, काफ़ी ज़्यादा लुढ़का हुआ रहता है, और इन विपरीत परिस्थितियों में भी इस लुढ़के हुए -3 डिग्री, मैंने अभी जो देखा है -3 डिग्री ले में अभी टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर में आप समझिए कि कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहता होगा, मुश्किल रहता होगा, और अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट ये टेम्परेचर और ज़्यादा लुढ़कता होगा, क्योंकि -3 डिग्री तो अब बना हुआ है, लेकिन इससे भी नीचे ये लुढ़कता होगा। अभी मौजूदा दिन का जो टेम्परेचर है वो -3 डिग्री है, जिसके बीच में जवानों के बीच पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।